लगातार कार्य करती रहती है, जिससे एयर प्रेशर से टर्बाइन्स मैम घूमती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे मैम आपको पता है सोलर लगाते तो मैम बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है मैम, और उनको चुराने का भी खतरा होता है, तो इसलिए मैम हमने ये सिस्टम बनाया है जैसे कि इसको चुराने का खतरा भी नहीं है। इसके ऊपर अगर हम चाहें तो सोलर लगा सकते हैं बिल्कुल ऊपर अगर चाहें तो, ये तो टर्बाइन में मैम ये एयर प्रेशर से चलता है। जैसे मैम ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए मैम ये हाईवेज पे बार बार मतलब एक साथ कार व्हीकल्स आते रहते हैं जिससे एयर प्रेशर आता रहता है और ये मूव करेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और इसमें स्टोरेज हो जाएगी मैम इलेक्ट्रिसिटी। और मैम एक ये ऑटोमेटिक सीट बेल्ट कार है मैम, जैसे कि आपको पता है जो सीट बेल्ट लगाते हैं पुलिस या किसी को देख के लगा सकते लगाते मैम सीट बेल्ट लगाते नहीं है साथ, तो ये ऑटोमेटिक कार सिस्टम है मैम। जैसे भी आप स्टार्ट करोगे मैम तो ये ऑटोमेटिक सीट बेल्ट लग जाएगा, अगर आपको एमरजेंसी में हटाना है कार ऑफ करते ही सीट बेल्ट लग जाएगा। कार ऑफ करे बगैर नहीं हटेगा, मतलब मैम आप कार में बैठे आपने कार को स्टार्ट किया तो मैम ये ऑटोमेटिक लग जाएगा, खिड़की खोली तो मैम ऑटोमेटिक ये लग भी जाएगा, अगर ऑफ करोगे तो भी होगा। ये दोनों सीट पे आगे वाली फ्रंट की दोनों सीट के लिए और की है भी हां दिखाना सर, क्या प्रिंसिपल क्या है इसका, इसके कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है मैम? ये मैम इलेक्ट्रिक मोटर चौका के दिखा दो, फिजिक्स इलेक्ट्रिक मोटर पे इसका प्रिंसिपल है। कोई बात नहीं उसे चेंज कर दो मैम, ये एडवांस रेलवे सिस्टम है मैम, आपको पता है कि ट्रेन पे तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसलिए मैम इसको हमने रोकने के लिए प्रोजेक्ट पर काम किया मैम, हम उससे ये मनाया है। जैसे मैम आप देख रहे हो यहाँ पे एक बार इसमें एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो इसलिए मैम ये बना रहे हैं, तो जो बुजुर्ग होते हैं मैम बच्चे होते हैं उनको चढ़ने में दिक्कत होती है, ध्यान नहीं देते कहीं पैर फंस जाता है मैम, तो इसलिए होता है। जैसे मैम ये ट्रेन आएगी ये उठेगी जैसे भी ये ट्रेन आएगी मैम इसको सेंस करके ऑटोमेटिक नीचे होगा तो आप यहाँ चल सकते हो, और इसको ट्रेन के जाने के बाद ही ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म पे गैप होता है हाँ मैम, उसको जहाँ गिर जाता है जैसे मैम। और मैम एक ब्रिज बनाया मैम, जैसे बुजुर्ग होते हैं मैम बुजुर्ग होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेयर चढ़ नहीं पाते हैं बारिश सामान जब होता है, तो इसलिए मैम हमने ये बनाया है। जैसे मैम यहाँ पे ट्रेन आएगी मैम ट्रेन आई तो मैम ये सेंस करके हो जाएगा, ट्रेन आई तो मैम ये ओपन हो गया, ट्रेन तब तक ही आया है तब तक ये ओपन है मैम, ट्रेन के आगे जाने के बाद मैम ये नीचे हो जाएगा, जिससे मैम पीछे से हम ये जो UNO सेंसर है मैम अल्ट्रासोनिक सेंसर ये पीछे भी लगा सकते हैं जो कैब पे होता है 2 किलोमीटर पे, जिससे हमें वार्निंग मिल जाएगी मैम पीछे से ट्रेन आएगी तो अगर कोई होगा तो यार पीछे से। थैंक यू। इस पे क्या था सीट बेल्ट में ज़रा बताएंगे? मैम ये ऑटोमेटिक सीट बेल्ट कार है जो मैम आपको पता है पुलिस को देख के लगाती सीट बेल्ट, वैसे कोई लगाता नहीं है देख के लगाते, तो इसलिए मैम ये हमने बनाया इसके ऊपर मॉडल है, जब भी अगर हम कार के अंदर बैठते हैं मैम बैठने के बाद खिड़की बंद होती है मैम तो ये ऑटोमेटिक सीट बेल्ट लग जाएगा मैम पावर से, तो अगर हम बाहर निकलते तो मैम सीट बेल्ट हट जाएगा। कार के अंदर ऐसा क्या गैजेट लगा है जिससे ये कार के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट जो कारें हैं उनके अंदर बाहर से कुछ एसेसरी लगाना पड़ेगा? यस मैम ऐसे बना भी सकते हैं मैम, जैसे मैम कार से कोई सेंसर अटैच करके मैम, जैसे भी कार अब हमने बताया मैम UNO सेंसर इसके आगे सामने कुछ आता है तभी तो मैम ये क्लोज होता है, तो जैसे ही उसके सामने आएगा तो तभी क्लोज होगा मैम। विंडोज में मैम विंडो जैसे मैम क्लोज होती है ओपन होती है, विंडो बंद हुई तो वो बेल्ट लगती है हाँ, तो अपने आप उसके अंदर भी डल जाएगी जो रेड कलर का वो होता है हाँ मैम, ये आगे सीधी अपने आ जाएगी फिर अपने आप करना आगे आ जाए।
अभी गाड़ी का दरवाजा कहाँ है भाई? ये तो खुला है, तब भी लग गई आपकी बेल्ट। अच्छा समझ।